इस फिल्म में दिखाया गया है कि फ्यूचर में दुनिया कैसी होगी, जहां पेट्रोल सबसे कीमती होगा और पानी के लिए सब तरस जाएंगे। इस फिल्म में इमॉर्टल जो की बेटी उसके खिलाफ जाती है ताकि सब सुखी से जी पाए। मूवी इस प्रकार शुरू होती है जहां एक युवक के पीछे कुछ गुंडे लगे हुए होते हैं, फिर वो गुंडे उसके गाड़ी को ओवरटेक करके उसकी गाड़ी पलट देते हैं। अब उसे बंदी बना लिया जाता है। इस युवक का नाम मैक्स है, जो कि इस फिल्म का हीरो है। एक दिन वो सब इन सब की कैद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉम्बी जैसे दिखने वाले गुंडे उसे फिर से पकड़ लेते हैं। अब सीन दूसरी तरफ दिखाई जाती है, जहां अजीब सा दिखने वाला इंसान कपड़े पहन रहा होता है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं वो लोग। फिर अब वॉर टैंक को दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे नागरिक जमा हुए होते हैं। फिर इमॉर्टल जो कुछ समय के लिए पानी का सप्लाई करता है और सारे लोग पानी को कलेक्ट करते हैं। कुछ सेकंड बाद वो पानी की सप्लाई को रोक देता है। अब फ्यूरियसा और इमॉर्टल जो कि आर्मी फ्यूल टैंक के लिए निकल पड़ती है। इमॉर्टल जो कि सभी आर्मी ज़ॉम्बी के जैसे दिखते हैं, क्योंकि उन सबको कोई ना कोई बीमारी हुई होती है। अचानक रास्ते में फ्यूरियसा गाड़ी मोड़ लेती है और वो दूसरे रास्ते जाने लगती है। इमॉर्टल जो ये सब देख लेता है, उसके बाद वो अपनी सारी आर्मी के साथ फ्यूरियसा को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वो लोग मैक्स को कार के आगे बांध देते हैं। उनके आर्मी में से एक सैनिक को खून की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि उसे कोई बीमारी हुई होती है। इन सब के वॉर करने का तरीका काफी अलग होता है। ये लोग जब भी वॉर पे जाते हैं तो ढोल और म्यूजिक बजाते हैं। अब फ्यूरियसा गाड़ी चला रही होती है कि अचानक से एक कार ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लास्ट हो जाता है। फिर वैसे ही सेम और भी बहुत सारे कार आते हैं, बट वो लोग उसको शूट करके उड़ा देते हैं। लड़ाई के समय उसकी आर्मी अपनी जान की फिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मरने के बाद उन्हें जन्नत मिलेगा। वो सब आगे की ओर बढ़ते हैं कि सामने से तूफान आ रहा होता है। तभी फ्यूरियसा को एक सैनिक बोलता है कि तुम रुक क्यों नहीं जाती। अब वो समझ जाता है कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है और वो उसका गला पकड़ देता है, लेकिन वो मारा जाता है। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है और सीन इस प्रकार दिखाया जाता है, जहां मैक्स जंजीर से बंधा होता है। वो उस जंजीर को खोलने का प्रयास करता है, तभी अचानक उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो समझ जाता है कि फ्यूरियसा और कुछ लोग वहां हैं। वो गन पॉइंट की नोक पे पानी मांगता है और पीता है। फिर वो जंजीर खोलने के लिए कहता है। एक लड़की खोल ही रही होती है कि अचानक फ्यूरियसा उस पे अटैक कर देती है। दोनों में काफी लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे को काफी डैमेज पहुंचाते हैं। तभी नुक्स मैक्स को मैगजीन देता है, वो उसे गन में डाल के फ्यूरियसा के सर पे तान देता है। फिर उसके बाद नुक्स मैक्स को कहता है कि हमने इसे जिंदा पकड़ा, अब इमॉर्टल जो इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर मैक्स नुक्स से बोलता है कि वो जंजीर को काट दे, और वो काट देता है। उसके बाद मैक्स अकेले ही गाड़ी लेके निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि फ्यूरियसा उसमें ऐसी सेटिंग की होती है जिस वजह से उसके अलावा कोई और नहीं चला सकता। गाड़ी के पीछे फ्यूरियसा और इमॉर्टल की सारी वाइफ भागती है और फ्यूरियसा उसे कहती है वो ड्राइव कर सकती है, बट उसके साथ में वो सब जाएंगे और मैक्स मान जाता है। वो सारे लोग वहां से जा ही रहे होते हैं कि नुक्स भी भाग के उनकी गाड़ी को पकड़ लेता है। अब थोड़ी देर बाद इमॉर्टल जो की वाइफ बाइनोकुलर से देखती है कि उनके दुश्मन गाड़ी लेके आ रहे हैं। फिर गाड़ी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है और मैक्स जाके ठीक कर देता है, और वो एक लोहे से अपने फेस मास्क को भी निकाल लेता है। तभी अचानक से नुक्स आके फ्यूरियसा का गला दबा देता है, लेकिन दूसरी औरतें उसे बचा लेती है और वो औरतें नुक्स को गाड़ी के बाहर फेंक देती है। थोड़ी देर बाद फ्यूरियसा मैक्स को वो कोड बता देती है जिससे गाड़ी हमेशा चलती रहेगी। अब फ्यूरियसा बाइकर्स गैंग के पास पहुंच चुकी है। यहाँ बाइकर्स गैंग और फ्यूरियसा के बीच ये डील हुई थी कि वो उन्हें 3000 लीटर पेट्रोल देगी और वो लोग चट्टान गिरा के इमॉर्टल जो की आर्मी का रास्ता ब्लॉक कर देंगे। लेकिन अचानक इमॉर्टल जो की प्रेग्नेंट वाइफ को लेबर पेन होता है और वो आवाज कर देती है। ये सुनते ही बाइकर्स गैंग उन पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि फ्यूरियसा बोली होती है कि वो अकेले आएगी। अब पीछे से इमॉर्टल जो अपनी आर्मी लेके आ जाता है, बट रास्ता ब्लॉक होने के कारण वो लोग रुक जाते हैं और वहीं उन्हें नुक्स भी मिलता है और इमॉर्टल जो उसे अपने साथ बुला लेता है। अब वो सब फ्यूरियसा के गाड़ी के पीछे निकल पड़ते हैं और इमॉर्टल जो फ्यूरियसा पे गन पॉइंट कर देता है, लेकिन उसकी प्रेग्नेंट वाइफ बीच में आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। फिर इमॉर्टल जो नुक्स को गन देता है और कहता है कि वो फ्यूरियसा को मार दे, इसके बदले में वो उसे जन्नत भेजेगा। लेकिन नुक्स टैंक पे जैसे ही जंप करता है तो वो गिर जाता है और इमॉर्टल जो उसे गुस्से से देखता है। फिर इमॉर्टल जो का बेटा जो कि जायंट बॉडी बिल्डर होता है, वो गाड़ी की स्टेयरिंग को निकाल देता है और मैक्स का हाथ फंस जाता है। लेकिन फिर आगे एक बड़ा सा चट्टान आता है और जो की वाइफ सरवाइव कर लेती है, पर जैसे ही वो गाड़ी में अंदर बैठने के लिए जाती है तो वो गिर जाती है। मैक्स बोलता है कि वो मर गई है और वो उसे वापस लेने नहीं जाता, लेकिन वो बच जाती है और इमॉर्टल जो उसे अपने पास रख लेता है। अब इंजन गर्म हो चुका है, इस वजह से गाड़ी बंद पड़ जाती है। तभी इमॉर्टल जो की एक वाइफ भागने लगती है और कहती है कि मैं उसके पास वापस जा रही हूँ, वो हमें माफ कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जो के आदमी सामने से आ रहे होते हैं, लेकिन फ्यूरियसा पट से हेडशॉट दे देती है और वो मर जाते हैं। जो की बाकी वाइफ उसे मना लेते हैं और वो वापस गाड़ी में बैठ जाती है। अब सीन इस प्रकार दिखाया जाता है, जहां जो अपनी विशाल सेना लेके आता है। जो की वाइफ देखती है कि नुक्स भी गाड़ी में होता है
और वो अपना सर पटकता है क्योंकि वो जो की उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया। लेकिन जो की वाइफ उसे शांत करती है। अब कीचड़ वाला रास्ता आ चुका है, इस वजह से गाड़ी फंस जाती है। इमोर्टल जो की आर्मी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो लोग जमीन में बम लगा देते हैं। फिर सीन दूसरी तरफ दिखाई जाती है जहाँ इमोर्टल जो की प्रेग्नेंट वाइफ का पेट काट दिया जाता है क्योंकि उसे अपना वंश चलाने के लिए जिंदा बच्चा चाहिए होता है, लेकिन वो बच्चा जिंदा नहीं होता। यही न्यूज उसका बड़ा भाई सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता देता है। फिरुसा और उसके साथी पेड़ में चैन को बांध देते हैं ताकि टायर कीचड़ से निकल जाए और गाड़ी चलने लगे, और वो लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। मैक्स उन सबको रोकने के लिए अकेला जाता है क्योंकि इंजन को ठंडा करना होता है। तभी एक बड़ा धमाका होता है और मैक्स जिंदा लौट आता है। अब सीन सुबह का दिखाया जाता है और वो लोग गाड़ी में होते हैं। कुछ दूर आगे आने के बाद फिरुसा गाड़ी से बाहर निकलती है। वो एक औरत को देखती है, फिर वो अपना परिचय देती है और उसके सारे गांव वाले आ जाते हैं। यहाँ वो अपनी माँ से गले मिलती है। ये सब इमोर्टल जो के डर से अलग रहते हैं। अब फिरुसा उन सबको मैक्स और जो की वाइफ से मिलाती है। फिरुसा यहाँ इस उम्मीद में आई होती है कि उसे यहाँ ग्रीनरी मिलेगा, बट यहाँ तो पूरा डेजर्ट होता है। ये खबर सुनते ही वो रोने लगती है। अब यहाँ रात हो चुकी होती है और फिरुसा मैक्स से कहती है हम यहाँ से भाग के ग्रीनरी एरिया में चलते हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैक्स मना कर देता है। सुबह वो सब बिना बताए बाइक लेके निकल जाते हैं। तभी मैक्स उन सबको ओवरटेक करता है और बोलता है अगर तुम सब जिंदगी भर भी चलते रहोगे फिर भी इस डायरेक्शन में तुम्हें ग्रीनरी नहीं मिलेगा। मैक्स मैप में दिखाता है और कहता है हम जहाँ से आए हैं हमें वही चलना होगा। वो कहता है कि हम वॉर टैंक लेके वापस जाएंगे और जो की आर्मी को डिफीट करेंगे। फिर फिरुसा मान जाती है। यहाँ इमोर्टल जो और उसकी आर्मी उन सबका इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी जो का एक सैनिक बोलता है वहाँ देखो वॉर टैंक, और वो सब उस पे हमला करने के लिए पीछे पड़ते हैं। वो सब मैक्स और उसके साथी का पीछा कर ही रहे होते हैं कि गाड़ी का फ्यूल लो हो जाता है। तभी नुक्स बचे हुए पेट्रोल को सक करके इंजन में भरता है, लेकिन इस लड़ाई में फिरुसा के नए साथी धीरे धीरे मारे जाते हैं। तभी जो की आर्मी अपने गाड़ी में रॉड फंसा के ऊपर आ जाते हैं और मैक्स फिरुसा की गाड़ी में चढ़ जाते हैं, लेकिन मैक्स मार देता है। बूढ़ी दादी भी उन सब गुंडों से लड़ाई करती है। यहाँ इमोर्टल जो का बेटा फिरुसा की टैंक पे आ जाता है और उन सबको मारने लगता है, लेकिन एक बूढ़ी औरत उसके ऑक्सीजन सिलेंडर को तोड़ देती है और बचा लेती है। अब फिरुसा और उसके साथी नई गाड़ी में चढ़ जाती है और वॉर टैंक नुक्स चलाता है। इमोर्टल जो का बेटा नुक्स को मारने के लिए जाता है कि वो गाड़ी पलट देता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस धमाके में सभी मारे जाते हैं। अब वो सब इमोर्टल जो के घर पे आ चुके हैं और मैक्स गाड़ी से बाहर निकलता है और इमोर्टल जो की डेड बॉडी दिखाता है। ये देख के वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें भरपूर पानी भी दिया जाता है। अब सब यहाँ खुश होते हैं क्योंकि फिरुसा वहाँ की लीडर है और वो सब कुछ ठीक कर देगी। फिर मैक्स भीड़ में दिखाई देता है और वो अपने रास्ते निकल जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इसी प्रकार मूवी